प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ना DRL भी दिए हैं, इसमें सिंगल लिंकेज पॉइंट दिया है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई आज मैं पहुँचा हूँ राठौर मशीनरी स्टोर बुलंदशहर के अंदर, और दोस्तों यहाँ से ना एक ऐसे ट्रैक्टर की वीडियो आपको देने वाला हूँ भाई, जो देख के ना आप भी कहोगे कि हाँ वाकई दमदार और धांसू ट्रैक्टर लॉन्च किया है मैसी ने। भाई मैसी की एजेंसी भी है इनके पास और सभी तरीके के ये इम्प्लीमेंट भी बेचते हैं। तो भाई ट्रैक्टर दिखाऊंगा, ट्रैक्टर के सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कितने HP का ट्रैक्टर है, सभी बातें वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। किसान भाइयों, ये है मैसी का बिल्कुल न्यूली लॉन्च नया लवेला 8055। भाइयों आज इस ट्रैक्टर की कुंडली खंगा लेंगे कि इस ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या फीचर आते हैं, कितनी पावर है, कितने सिलेंडर का इंजन है, टायर साइज क्या लगा के दे रहे हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल मैसी ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या खास फीचर आते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल गहराई से बात करेंगे। भाई ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है और लुक वाइज भी काफ़ी ज़बरदस्त और तगड़ा दिख रहा है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ना DRL भी दिए हैं और लाइट काफ़ी शानदार बना के दिए, ये देखो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार लुक के साथ। लुक इतना ज़बरदस्त के भाई एकदम ट्रैक्टर इतना अट्रैक्टिव लगे देखने में कि जिसके कुछ कहने ही क्या, देख के ना एक बार आप देखते ही रह जाओगे हाँ भी कोई डिजाइन बना के दिया है मैसी ने। मैग्ना ट्रैक्स के नाम से मैसी इसे बता रही है। इंजन काफ़ी दमदार 3298 CC के साथ आने वाला इंजन है भाई, ये देखो। और सब चीज़ें काफ़ी शानदार ढंग से भाई व्यवस्थित करके दी हैं ट्रैक्टर के अंदर, ये देख सकते हो भाई। बोनट वोनट सब खोल के दिखाऊंगा। बॉस के इनलाइन 3 सिलेंडर फ्यूल पंप के साथ ये ट्रैक्टर आता है। अगर ट्रैक्टर के टायरों के बारे में बात करूँ तो भाई टायर साइज जो है पीछे वाला इसमें 16 और 28 का है, आगे वाला 7/50/16 का है। 14 के टायरों का भी ऑप्शन है, लेकिन एक खास चीज़ बताऊँगा कि मैसी ना MRF के टायर दे रही, ज़्यादातर कंपनियाँ MRF के टायर देती ना अपने ट्रैक्टरों के अंदर, तो ये काफ़ी खास है कि MRF के टायरों के साथ ये ट्रैक्टर आ रहा है। इसमें ना सिर्फ 2-व्हील ड्राइव मॉडल ही आता है, ये जो 8055 है मैसी का, 4-व्हील ड्राइव मॉडल नहीं आता इस ट्रैक्टर के अंदर। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि ज़्यादातर मैसी के ट्रैक्टर जो बदनाम थे कि ट्रोला ना खींच पाते अच्छे ढंग से, भाई ये वाला जो ट्रैक्टर है खासकर मैसी ने स्पेशल ट्रोले के लिए बनाया है, ट्रॉली खिंचाई के लिए। और भाई आप देख भी सकते हो कि जैसा डिज़ाइन बना के दिया है वाकई ट्रोले के लिए है। इसकी एक खासियत ये बताऊं कि पीछे 200 क्विंटल या 250 क्विंटल वजन भी भरा है, और लुक वाइज डिज़ाइन वाइज काफ़ी शानदार। भाई एक बार पीछे से दिखाऊं ट्रैक्टर को मैं, तो पीछे भी काफ़ी भाई हैवी बना के दिया है ट्रैक्टर, ये देखो। लिफ्टिंग कैपेसिटी लगभग 2000 kg के आसपास इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसमें सिंगल लिंकेज पॉइंट दिया है यहाँ पे, आपने 2 या 3 लिंकेज पॉइंट, तो ये भी कुछ सोच के मैसी ने बनाया होगा कि ये सिंगल लिंकेज पॉइंट के साथ ट्रैक्टर है, ये देखो। एक बार आपको ना इसका बोनट भी खोल के दिखाऊंगा, बोनट काफ़ी आसानी से खुल जाता है, डबल गैस स्टड के साथ है। यहाँ पे एक बटन दिया है, सिर्फ आपको ऊपर की तरफ यूँ प्रेस करना है, ये देखो। और भाई कंपनी ने ना बैटरी का सेक्शन भी आगे ही दिया, जिससे कि फ्रंट में वेट बना रहे, और एमरॉन की बैटरी लगा के दे रही है मैसी। ये यहाँ पे ड्राई टाइप एयर फिल्टर आ गया, ये देखो आप, विद सेंसर, सेंसर के साथ आता है। ये वाटर रिजर्वायर आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे भाई ये आ गया रेडिएटर, और फ्रंट में भी एक जाली लगा के दी है जिससे रेडिएटर जल्दी से ख़राब ना हो। और डीजल टैंक भाई ऊपर दिया बिल्कुल, ये देखो ऐसे घुमा के यहाँ पे ये डीजल टैंक दिया, ये देखो डीजल टैंक भी लगभग 55-60 kg का इसमें डीजल टैंक आता है, ये देख लो। और बोनट काफ़ी प्यारा लगा भाई, सिर्फ एक स्टेप करना है, खाली ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करो और बोनट आसानी से ऊपर उठ जाएगा। देखो इंजन काफ़ी तगड़ा, काफ़ी धांसू है, मैग्ना टॉर्क M33.5 के नाम से ये इंजन है, जो कि लगभग 3300 CC मतलब 3298 CC के साथ आने वाला, 50 horsepower का 3 सिलेंडर बॉस इनलाइन पंप के साथ आने वाला ये इंजन है, ये देख सकते हो आप। एक बार इधर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखो भाई
एक चीज़ और दिखाऊंगा भाई, इसमें ना स्टीयरिंग के लिए अलग से ये ऑयल का सेक्शन दिया है, छोटी सी टैंक बना के दिए, जिससे अलग ही स्टीयरिंग का ऑयल रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि इंजन के साथ ही वो वाला ऑयल लग के स्टीयरिंग में चलता है, तो उसमें ना गंदा ऑयल होने की वजह से कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो भाई उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैसी ने अलग से एक टैंक बना दिया छोटा सा पावर स्टीयरिंग ऑयल के लिए। और भाई ये यहाँ पे TMTL इंजीनियर्स की बैजिंग है, T3A इंजन मॉडल है ये, मैग्ना टॉर्क M33.5 करके, ये देखो बिल्कुल नया शानदार इंजन लगा के दिया है मैसी ने इसमें। और हर जगह भाई ये देखो, यहाँ पे भी साइडों में लोहे की प्लेटें लगा के दी हैं, जिससे भाई किसी को भी कोई ख़तरा ना हो, मानो कोई बच्चा बच्चा आ जाए खड़े ट्रैक्टर पर इंजन पर, तो ये जो बेल्ट हैं इनमें कोई हाथ वात ना जाए। सुरक्षा काफ़ी शानदार सुरक्षा की दृष्टि से बना के दिया है ट्रैक्टर। भाई बोनट को भी आसानी से आप बंद कर सकते हो, बस सिर्फ सिंगल हैंड से ही आप बोनट बंद कर लोगे। ये देखो सिंगल हैंड से खोलना है, सिंगल से ही आप बंद कर सकते हो। सिर्फ एक बच्चा भी इस बोनट को खोल सके है, वैसे काफ़ी भारी है। मेटल का अच्छा प्रयोग किया है, रेड कलर में आता है ये देखो, 80-55 की बैजिंग मैसी फर्ग्यूसन, ये देखो काफ़ी शानदार तगड़े डिज़ाइन के साथ ये ट्रैक्टर बना के दिया भाई। और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है ट्रैक्टर की। ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस जिसे बोला जा है, इस ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस देखो, और इधर ही डायना ट्रैक खड़ा है इसका देखो, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगी हाँ वाकई कितना ऊँचा ग्राउंड क्लियरेंस मैसी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिया है। ये देखो भाई दोस्तों, अब मैं ना ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा कि इस ट्रैक्टर के साथ और क्या क्या ऊपर दिया है, जैसे इतना स्मार्ट ट्रैक्टर बना के दिया है, तो जो ड्राइवर की पकड़ में जो फंक्शनैलिटी है, जो गियर बॉक्स है या क्लच है, वो किस तरीके से आ रही है, वो सभी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आ गया फुट स्टेप, देखो यहाँ से लाके इन्होंने यहाँ पर फुट स्टेप लाया, और फुट स्टेप आराम से आपकी पकड़ में यहाँ पर चढ़ जाओगे। प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों, तो फुल्ली फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ ये ट्रैक्टर आता है विद हीट गार्ड, जिससे आपके पैरों पर हीट ना लगे। फुल्ली फ्लैट प्लेटफॉर्म है ये देखो, तो भी अभी ऊपर चढ़ के भी दिखाता हूँ कि क्या क्या सिस्टम बना के दिया है ऊपर इन्होंने। ये भाई स्टीयरिंग आ गया है ट्रैक्टर का ऊपर, ये देखो, और ये मीटर कंसोल डिजिटल विद अभी ब्लिंकेज जो लाइट हैं वो लगा के दिए हैं। ये भाई इंडिकेटर के लिए आ गया, और इधर लाइट के, ये हॉर्न का स्विच हो गया, हैंड रेस आ गई यहाँ पे, और ये इंजन बंद करने के लिए यहाँ से आप चाबी लगा के इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें पैडल जो दिए हैं दोस्तों, वो सस्पेंडेड पैडल दिए हैं, काफ़ी शानदार और बिल्कुल नॉर्मल इजी तरीके से चलने वाले दबने वाले। यहाँ ब्रेक पैडल्स आ गए, ये रेस के लिए मिरर काफ़ी बड़ा लगा के दिया। तो अगर गियरों की बात करूं तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर ऑप्शन आते हैं, 5 गियर इसमें हैं, और भाई 2 गियर लो हाई के इसमें हैं, और बराबर में ही भाई आपको ये लिफ्ट कंट्रोल के लीवर मिल जाएंगे यहाँ पे। और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, आसानी से जो ड्राइवर है वो बड़ी आसानी से इस ट्रैक्टर पर को बैठ के चला सकता है। और इधर मड गार्ड भी काफ़ी चौड़े हैं, जिस पर आप आसानी से आदमी बैठ सकता है। और हैंड ब्रेक यहाँ पे दिए आपको दिखाऊं मैं, ये पकड़ में यहाँ पे हैंड ब्रेक है, और भाई ये PTO के लिए होगी यहाँ पे ये गियर। तो भाई ट्रैक्टर काफ़ी शानदार एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ है, और इसके साइलेंसर पे भी जाली लगा के दी है, जिससे मानो किसी का हाथ भी रख जाए तो जल ना पाए। स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया बिल्कुल पकड़ में, ये देखो हैंड रेस पे भी एक भाई रबड़ की वो लगा के दी है, और भाई हर जगह सेफ्टी देखते हो। देखो शीशे पे भी एक सपोर्ट का ये तार सा लगा दिया, जिससे शीशा भी भविष्य में कभी ना टूटे। यहाँ पे हैंडल लगा के दिए हैं आसानी से चढ़ने उतरने के लिए। दोस्तों क्लच की बात करें तो ये ड्यूअल क्लच के साथ आता है ट्रैक्टर। वीडियो में बने रहना, पैसे भी बताएंगे कितने रुपये में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। हिच की बात करें तो हिच भी काफ़ी भारी दे रही है कंपनी, और भाई पीछे दिया है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स आसानी से आप ये ओपन कर सकते हो, काफ़ी भारी पीछे टूल बॉक्स लगा के दिया है। इधर दोस्तों रिफ्लेक्टर दिया है, और यहीं पे बोतल होल्डर लगा के दिया है। पीछे लाइट भी दी है, मतलब ये लगा लो एकदम बेहतरीन बना के दिया है। और डबल वाल लगा के दिए हैं, ये देखो दो ऑक्सिलरी वाल जिसे बोल देते हैं वो लगा के दिए, जिससे आप
कोई भी एम बी पिलाओ या ट्रॉली वगैरह काम कर रहे हो तो आसानी से बस इससे टू चैनल स्विच करके आप चला सकते हो। बस इसमें मैं थोड़ी सी एक कमी देख रहा हूँ, ज़्यादातर मैसी के ट्रैक्टरों में ना पिछले पहियों में मैसी वेट लगा के देती है, जैसे इस ट्रैक्टर में आपको देख रहे हैं इसमें 32-32 केजी की प्लेटें लग रही हैं, तो भाई इस ट्रैक्टर के साथ भी लगभग 45-45 किलो वाली प्लेटें इनको लगा के देनी चाहिए थी, जिससे थोड़ा और वजन इम्प्रूव होता पहियों पर और अच्छी और ग्रिप बना के चलते। बाकी जैसे मैसी बता रही है कि काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और खिंचाई के मामले में काफ़ी दमदार और बेहतर ट्रैक्टर है। तो भाई आवाज़ देखो इस बार ट्रैक्टर की, वाकई काफ़ी शानदार आवाज़ है। अब मेरे कुछ भाई पूछ रहे होंगे कि भाई इतना शानदार और बेहतर और धांसू ट्रैक्टर है तो ये हमें किस कीमत में पड़ेगा, तो भाई इसकी कीमत भी बताऊँगा कि अगर आप इस ट्रैक्टर को लेना चाह रहे हैं तो भाई ये ट्रैक्टर आपको लगभग 8,70,000 या 80,000 रुपए में आपको ये ट्रैक्टर पड़ेगा। तो भाई इतनी कीमत में एक बार कमेंट करके अवश्य बताना कि क्या वाकई बढ़िया ट्रैक्टर रहेगा किसानों के लिए, या फिर भाई जो और मार्केट में ट्रैक्टर हैं वो इससे बेहतर हैं। तो दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।